मु भारत रो नागरिक हिसाब रे कहिबी जे आर्थिक वर्ष 2022-23 रो बजेट जोटा आज केंद्र सरकार तरफ उपस्थापित करागला बहुत संतुलित बजेट अछि। आउ 2022-23 रे आज आदरणीय मैडम निर्मला सीतारमण कहिले जे आमरो जीडीपी ग्रोथ रेट आमरो विकास दर पाखापाखी 9.2% हम एटा बहुत भल विकास दर जदि मु कहिबी अत्युक्ति हम ना आम साइज रो जे अर्थव्यवस्था विश्व रे से सबू अर्थव्यवस्था सांगरे जदि भारत तुलना करिवे निश्चित भाव रे विकास दर अत्यंत प्रशंसनीय प्रथम कथा। द्वितीय कथा एई बजेट रे अवसंरचना विकास उपरे गुरुत्व दिया जाय छी, पीएम गति शक्ति को फोकस करा जाय छी, ता छड़ा अर्थव्यवस्था रे केमती सुधार आसिबो याकु ही आखी आगरे रखिकी पूरा बजेट तैयारी करा जाय छी। वर्तमान आम माने समस्ते जानिछु जे कोरोना को देखि आमे गति करी आसिछु, निश्चित भाव रे अर्थव्यवस्था रे सुधार आनिबा कोनसी सरकारंकर सबुठु बड़ दायित्व, आम केन्द्र सरकारंकर सबुठु बड़ दायित्व। आगामी वर्ष 60 लाख रोजगार सृष्टि करा जिबो एटा बड़ कथा आज बाहरिला। ता छड़ा नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट पाई 1500 कोटी टंका रखा जाउछि। ता छड़ा मु कहबाकु चाहिबी जे फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी और डिजिटल टेक्नोलॉजी डिजिटल इकोनॉमी उपरे बहुत गुरुत्व ए बजेट रे दिया हेछि, किंतु जे हमरो गरीब अछंती जे वंचित अछंती तांकु भी आमे बहुत गुरुत्व देइछु। केंद्र सरकार को तरफ बहुत गुरुत्व दिया जाए छी, 80 लाख घर प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत सहरांचल और ग्रामांचल रे तैयारी करा जीवा और ए दिगरे पाखापाखी 48,000 कोटी टंका व्यय करा जीवा, एटा बड़ कथा है छी। ता छोड़ा सबो पोस्ट ऑफिसेस केमती सेथरे कोर बैंकिंग सर्विसेज आरंभ हम एटा भी आज मैडम निर्मला सीतारमण कहिछंती और ए दिगरे काम करा जीवा। नेशनल हाईवे जेतु अवसंरचना कथा मु कहली, मु भित्तिभूमि विकास कथा कहली, 25,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे रोड तैयारी करा जिबो आर्थिक वर्ष 2022-23 रे। ता छोड़ा रेल नेटवर्क भी बढ़िबो 2,000 किलोमीटर रेल नेटवर्क केमती बढ़िबो ए दिगरे योजना रखा जाय छी। ता छोड़ा मु कहबी जे एक्सपेंडिचर ए बजेट रे जो एक्सपेंडिचर हम 2022-23 रे आम देश रे 39,45,000 टंका 39.45 लाख करोड़ एक्सपेंडिचर हम। आमरो जे रेवेन्यू जेनरेशन आम जे इनकम रिसीव करिबा सेटा होची 22,84,000 कोटी टंका। निश्चित भाव रे फिस्कल डेफिसिट रही छी किंतु बहुत अधिक रही नहीं। बड़ कथा होची चासी मानकर कथा, चासी मानकर कथा भी कोहा गला देखंतु तो बड़ कथा होची जे जो वीट आउ पैडी धान आउ गहम जोटा उत्पादन हबो तार प्रोक्योरमेंट होची केंद्र सरकारंकर गुरु दायित्व। ए दिगरे मु कहला उड़को अत्यंत आनंदित जे ए दिगरे जिते भी धान हम गहम हम ए प्रोक्योर करा जिबो ए दिगरे 2,37,000 कोटी टंका खर्च करा जिबो। ए टंका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर माध्यम रे सीधा सड़क भाव रे आमर चासी मानकर अकाउंट को जिबो। तो मु कहिबी जे ए बजेट बहुत संतुलित बजेट आउ ता छड़ा मु कहिबी जे एटा अवसंरचना विकास उपरे केंद्रित बजेट, डिजिटल इकोनॉमी उपरे केंद्रित बजेट, फिनटेक उपरे केंद्रित बजेट आउ एटा देशर विभिन्न स्तर रो लोकंकर जो नीड अछि जो दरकार तांकु से सबु को आखि आगरे रखी करा जाय छि। निश्चित भाव रे गोटे जिनस मु कहिबाकु चाहिबी जे प्रत्येक समय रो किछि किछिटा नीड थाए प्रासंगिकता हुए, तो वर्तमान परिप्रेक्षी रे जो सब जिनस उपरे हमरो ध्यान देवा कथा जो क्षेत्र रो विकास करिबा कथा से सबु क्षेत्र रो विकास उपरे दायित्व गुरुत्वारोप करा जाउ छे। धन्यवाद। ओडिसा परिप्रेक्षी जे में कोइबा नीलाचल इस्पात कारखाना नै कि जेंती डिक्लेरेशन हे छि तब आपन किपो देखछि एवं राज्य किभली भाबे बेनिफिट होबो बजट देखंतु जते बड़े विभिन्न प्रकार कार्यक्रम जो सब आज अनाउंस करागला घोषणा करागला एटा तो समग्र देश पाई हेछि ओडिसा राज्य पाई भी हेछि आउ केमती कार्यान्वित हबो सबु कार्यक्रम सुंदर भावरे दिगरे भी आलोचना आज करागला
ସେଥିପାଇଁ ଡିଜିଟାଲ ଇକୋନୋମି କଥା ଉଠିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଡିଜିଟାଲ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଯେମିତି ରିଭ୍ୟୁ ହେବ, ମନିଟରିଂ ହେବ, ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବ। ନୀଳାଚଳ ଇସ୍ପାତ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ କଥା ବି ଆପଣମାନେ କହିଲେ, ସେ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ସବୁ କାମ ହେବାର ଥିଲା ଆମର ସେସବୁ ଫାଇନାଲ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଧରନ୍ତୁ ରୋଡ଼ ନେଟୱାର୍କ ହେବ କିମ୍ବା ରେଲ ନେଟୱାର୍କ ହେବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବ। ଯଦି PMAY ଘର ମିଳିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବ। ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ସବୁ ଦିଗରେ ଯଦି ପୋଷ୍ଟାଲ ସର୍ଭିସେସରେ କୋର୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସେସରେ କୋର୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସର୍ଭିସେସ୍ ଆସୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବ।